से जो केजरीवाल ने झाड़ू देने का काम किया यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों को गुमराह कर, उन्होंने कहा मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ, यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने बताना चाहिए था कि महर्षि वाल्मीकि भगवान के हाथ में भी कलम है, जिस कलम की ताकत से उन्होंने रामायण लिखा है उसमें श्री रामचंद्र का चरित्र पूरा लिखा, जीवन परिचय लिखा है। लेकिन इन हमारे सब लोग भोले भाले समाज के लोगों को लोग हमारे बीच में नेता आते हैं क्योंकि मनुवाद किस्म के लोग हैं, वो आरक्षण से संबंध रखने वाला है। जो व्यक्ति आरक्षण विरोधी समिति का अध्यक्ष रहा हो, उसने आरक्षण विरोधी अपना एक संगठन बनाकर जिस आदमी ने जनता मंत्र का विरोध किया हो, वो हमारा क्या हो सकता है। लेकिन आज यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी में झाड़ू मारने का काम किया है, आप अच्छी तरह जान समझ गए। अभी जो तीन अभी जो प्रदेश से यहाँ सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने हैं, उसने वहाँ पर अपने समाज के दो लोगों को बनाया, एक ठाकुर समाज के लोगों को बनाया, जबकि यहाँ पर ओबीसी समाज के लोगों में और दलित समाज के लोगों ने इस प्रदेश में 70% वोट यदि देने का काम किया है तो एसटी एसटी ओबीसी के लोगों, ना ओबीसी का उसने बनाया है और ना ही उसने दलित का कोई बनाया है। इस चीज़ से आने वाला जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से आपके केजरीवाल की पार्टी को ये लोग ही झाड़ू मारकर केजरीवाल को दिल्ली से बाहर करने का काम करेंगे। सर, अभी जिस तरीके से आपने एक लूरा कुश्ती देखी थी कि जिन विधायकों को रोड पे आके या मुख्यमंत्री को रोड पे आके धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, उन्हीं ने एलजी का जो हाउस है, जो यहाँ सारी सुविधाओं से लैस है, एसी है, अच्छे अच्छे वहाँ पानी पीने की सुविधा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वहाँ जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं, वहाँ आराम फरमा रहे हैं और पब्लिक को, आम जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहा था आपका? निश्चित तौर से दिल्ली प्रदेश के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि और एक आशीर्वाद वाले नेता के पास पहुँचता है, फिर राज्यपाल जो बनाया जाता है पार्टी के आशीर्वाद लेकर उसको वहाँ राज्यपाल बनाया जाता है। जो जनप्रतिनिधि होता है निश्चित तौर से वो जनता उसको चुन के जाती है, जो जनता है चुनाव व्यक्ति की महत्व सबसे ज़्यादा होती है, उसको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसने वहाँ जाकर अपने पद की गरिमा को कमज़ोर किया है, उसने अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। एक मुख्यमंत्री वहाँ जाकर राज्यपाल जी के यहाँ जाकर धरना देने का काम करा, निश्चित तौर से यहाँ की जनता को गुमराह करने की बात, उसने क्षेत्र में काम करना चाहिए थे वो सारे काम तो करने में विफल रहा। लोगों का जहाँ कल्याण विकास होना था, इस दिल्ली प्रदेश का डेवलपमेंट होना था, तमाम जो लोगों की पेंशन बननी थी, तमाम बहुत सारे विकास होने थे, आज देखो आज ही देख लो आज दिल्ली फेल हो चुकी है। आज तमाम पूरी दिल्ली में पानी भर चुके हैं, तीन तीन चार चार फुट पानी बह रहा है, सारा पानी नालों में जाना चाहिए था लेकिन नाले ही रोड ही नाले बन गए हैं। आज जब रोड नाले बन गए हैं तो आज माननीय चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए ये प्रदेश की स्थिति क्या है। ये तो एक ही दिन अभी वर्षा हुई है, अभी तो मानसून आया है दिल्ली में, आगे क्या हाल होगा। जो स्वच्छ भारत की बात करने वाला माननीय मोदी जी को अपनी पार्टी के लोग जो पार्षद यहाँ जीते हैं वो भी जाके देखें और माननीय मोदी जी भी देखें दिल्ली कितनी स्वच्छ है। जो स्वच्छ भारत की बात करने वाला आज गंदगी भरे, आज रोड पर जाके देखो गंदगी बह रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोनों ही नेता नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, कभी वो उस पर आरोप लगाता है, कभी उस पर आरोप लगाता है, काम कोई नहीं करना चाहता। आज दिल्ली में एक भी पुल का उद्घाटन नहीं हुआ, एक पुल का भी शिलान्यास नहीं हुआ। पिछली सरकार के जो पुल बने थे उसी सरकार के उन्होंने दो चार पुलों का उद्घाटन किया लेकिन एक नए पुल का शिलान्यास यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ। तमाम दिल्ली प्रदेश के लिए डेवलपमेंट की योजना बनानी चाहिए थी, उनके लिए योजना बनाकर उनको विकास में लागू करना था लेकिन एक भी डेवलपमेंट की विकास की योजना दिल्ली में नहीं आई। आप अच्छी तरह जानते हैं यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी, उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश में यहाँ आपको 20 यूनिवर्सिटी देने का काम करूँगा, उन्होंने कहा कि यहाँ 20 में मेडिकल कॉलेज खोलूँगा, हॉस्पिटल खोलने का काम करूँगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला है, एक भी यूनिवर्सिटी दिल्ली में नहीं खुली है। सर, वाईफाई देने की भी बात की थी और यहाँ की युवा हमारे युवाओं को वाईफाई में गुमराह कर उन्हें अपना वोट देने का काम किया है। उन्होंने कहा इस प्रदेश में मैं 2 लाख नौकरी देने का काम करूँगा, 2 लाख तो छोड़ो, 2000 भी उसने। सब लोगों का मानना है कि ए पार्टी बीजेपी और बी पार्टी आम आदमी पार्टी है,
कि जो बीजेपी करती है वही आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी और बीजेपी पार्टी एक ही ग्रुप से निकल के आई हैं, क्योंकि वो भी आरएसएस का आदमी है, वो भी वहाँ से निकल गया, वो भी कच्छाधारी है, माननीय केजरीवाल भी कच्छाधारी है। वो जब कच्छाधारी है, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अधिकतर वैश्य समाज के लोग उसको वोट देते हैं, वैश्य बनियों की वो पार्टी कहा जाता है, ब्राह्मण की पार्टी कहा जाता है, ठाकुरों की पार्टी कहा जाता है, और ये सब लोग उनको मिलकर एक ये जनरल लोग इकट्ठे होकर 15% के लोग इस पार्टी को चलाने का काम करते हैं। और इन पार्टियों के जो भी आका होते हैं वो सारे ब्राह्मण होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मण वाली सोच इस देश में मनुवाद की, इसीलिए वो बात चलती है, मनुष्य संविधान की वो दिशा देते हैं, उसी को लागू करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। जिस समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उस समय जितने भी सांसद थे इनको एक एक गांव गोद दिया था, उन्होंने एक एक गांव गोद लिया था। सर वो 4 साल के अंदर वो गांव पैदल चलने लगे या गोदी के अंदर बैठे हैं अभी? क्योंकि सर गोकलपुर गांव भी है और इधर बजराबाद गांव भी है। उदयपुर भी के जो सांसद, मैं एक सांसद की बात बताना चाहता हूँ, जो मनोज तिवारी सांसद है उदयपुर भी लोकसभा से, उन्होंने कादीपुर गाँव को गोद लिया था। लेकिन आप कादीपुर गांव में जाकर देखो, वहां के ही बराबर में रोड टूटी पड़ी है, एक रुपया भी कादी बिहार की उसमें वहाँ नहीं लगा। जबकि सांसद का काम लाइट पर नाम लिखाने का काम नहीं होता, सांसद का तो हजारों करोड़ की डेवलपमेंट विकास की योजना लाकर उसका काम होता है, हजारों करोड़ के लिए देश की सरकार से लेकर अपने क्षेत्र में लगाए तो उसका वो काम होता है। ये तो पार्षद का काम होता है, लाइट लगाना, अपना नाम लिखना। अब आप देख लो सांसद कहाँ नीचे आ चुका है, एक लाइट जो आती है 5,000 की 4,000 की लाइट लगती है उसको अपना नाम लिखवा रहा है, जनता को गुमराह करने की बात कहा कि मैंने इस रोड पर लाइट लगवा दी है। तो आपसे मेरा निवेदन है, निश्चित तौर से अब हमें भारतीय जनता पार्टी को भी इस देश से बाहर करना होगा, इस प्रदेश में जो यहाँ सरकार चल रही है नगर निगम में उसको भी बाहर करना होगा, केवल केवल और आम आदमी को तो बाहर करना ही करना है। तो निश्चित तौर से हम सब मिलकर गहन कुमार महती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो तमाम ये पार्टी देश से बाहर हो जाएगी, इस देश में दोबारा मानवता इंसानियत समता मूलक समाज की सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो देश में दोबारा अम्बेडकरवाद लागू होगा, और अम्बेडकरवाद के तहत जो संविधान हमें मिला है उस संविधान के तहत निश्चित तौर से जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो मौलिक अधिकार देश में लागू होंगे, यही हमारा घोषणा पत्र है। इस घोषणा के पत्र के तहत हम यहाँ देश के दलित शोषित देश के गरीब समाज के लोग कल्याण विकास की बात करते हैं, माननीय वेंकटमाती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, जब सब समाज की बात करती है, सब समाज के कल्याण विकास की बात करती है, तो हम सबको मिलकर बहुजन समाज पार्टी को इस देश में सरकार बनानी होगी। और सब लोग आपसे अपील करना चाहता हूँ, लोगों ने गांधीवाद के लोगों को भी देख लिया, इस देश में आम आदमी के लोगों को भी देख लिया, इस देश में मनुवाद के लोगों को भी देख लिया, अब बारी केवल अम्बेडकरवाद के लोगों की है। और हम सब लोग मिलकर अम्बेडकरवाद को यदि इस देश में लागू करना चाहते हो, उसको स्थापित करना चाहते हो, तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर देश में अपने कल्याण विकास की बात करें।